बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। तरकश में तीर का होना, नयाम में तलवार का होना और सरदार का मनसब पे होना जरूरी है। तुम अपनी नशिस्त संभालो, हकीकत का इदराक करो। कहां गायब हो गया है वो मलून शख्स? अगर वो बदबख्त अब तक जिंदा है तो अल्लाह करे कि उसकी जान मेरे हाथों से जाए। अगर वो जिंदा है तो हम उसकी जिंदगी उसके लिए जहन्नुम बना देंगे। सुलेमान के लिए जो आपने किया वो मैंने सुना। जिंदान से फरार होते वक्त आपने उसकी हिफाजत की और अर्तुरुल भाई तक उसे पहुंचाया। भाई ने मुझे सारी तफसीलात बताई। वैसे तब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये मेरा फर्ज था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ओह, ये तो हमारे सिपाही है। या अल्लाह रहम फरमा। मैं एक मंगोल था, मगर अब बरके खान की तरह हक के रास्ते पर हूं। मैंने अपनी जिंदगी अर्तुरुल सरदार के मकसद के लिए वक्फ कर दी है और इस मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अलबास्ती पहाड़ से गिरकर कैसे बच सकता है? मुमकिन है अलबास्ती की तलाश में कोई और भी आया हो और वो उस मलून को हमारे सिपाहियों के हाथों से बचा कर ले गए हो। गुनकुत, मुमकिन है कि अलबास्ती अभी तक जिंदा हो। आपकी रियासत ने कैदियों और दीगर तुर्क कबाइल के लोगों के साथ हलाकू खान की तरह बेहिमाना रवैया इख्तियार किया। हमारे खान ये यकीन दहानी चाहते हैं कि तमाम तुर्क कबाइल मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। बरके खान को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि अर्तुरुल के पीछे भी जा सकते हैं और हो सकता है कि बरके खान के आदमी से होने वाली मुलाकात का भी इल्म होने। मार्गेन, कौन है यह रकबुका? हलाकू खान का अनातोलिया की हदूद में खास दस्ते रास्त है। ये उसका सबसे बड़ा जासूस है। अर्तुल सरदार, बरके खान आपको जंग के लिए सामान कब और कहां भेजेंगे? मेरे पास जो मकतूब है उसमें सब दर्ज है। भाई, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बेबोलात, बेबोलात। अर्तुरुल, तुम्हारा सर टांगूंगा मैं औताक में तुम्हारे तीनों बेटों के साथ। तुम्हारी यह हसरत तुम्हारी मौत का सबब बनेगी बेबोलात।
अर्तुरुल, इस मार्गिन मलून ने हमसे गद्दारी की और वफादारी तुमसे निभाई। जो ये जानता था वो हमने सिखाया इसे। बेशक हम इसे एक चीज ना सिखा पाए, हमारे खान से गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ها مورغان ऐसा मत करो बेबोलात, ऐसा मत करो बेबोलात। गद्दार मलून, तुम्हें असीयत दे देकर खत्म कर देगा दुर्गत। मुश्किल में पड़ गए अर्तुरुल, इतनी बड़ी मुश्किल के वो तुम्हारी नस्ल खत्म कर देगी। रुक जाओ, रुक जाओ अलबास्ती। हाँ,
क्या मैंने अर्तुरुल और तुरंताई को जिंदा पकड़ने के लिए नहीं कहा था? हलाकू खान की कुवत को तुम जान नहीं पाए अर्तुरुल, अलंजक को मार के तुमने खुद को महफूज समझ लिया था, हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर तुम, मगर अब बहुत हो गया। मैंने अभी तुमसे आखिरी अल्फाज नहीं कहे आरिक बुआ। बहुत जल्द तुम अपने आखिरी अल्फाज कहोगे। अर्तुरुल कभी अपनी जबान नहीं खोलेगा, इसको यहीं खत्म कर देते हैं वरना हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अर्तुरुल अकेला नहीं है, तुमने कहा था ये मौत अर्तुरुल के लिए फतह होगी। अर्तुरुल को हम यहां से जिंदा लेके जाएंगे, इसके सिपाही यहां पहुंचते होंगे, जल्दी चलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सिरमा। ये क्या कर रही हैं बाजी? बेबुलाद भाई की चीजें समेट रही हूं, मैं उनकी कोई चीज औताक में नहीं देखना चाहती। आप सहमत मत कीजिए बाजी, मैं खवातीन से कहकर ये करवा दूंगी, पहले ही बहुत थक चुकी हैं आप, बाहर देखकर आ रही हूं मैं। माशाल्लाह तमाम काम बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं, झलक रहा है नया निजाम। अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। दुरुस्त कहा आपने, खास तौर पर हाइमा खानम ने जिसका इशारा किया वो काम भी रहता है। किस बारे में बात कर रही हो तुम, बताओ आखिर क्या कहना चाहती हो? क्या आपको मालूम नहीं है बाजी, जाहिर है आपकी शादी के बारे में। अभी जब हमें इतने मसले दरपेश हैं, इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा सिरमा। माजरा चाहती हूँ, लेकिन इस कारे खैर को इल्तिवा में डालना मुनासिब नहीं होगा। गो के वो गद्दार हैं, मगर बेबुलाद भाई की लाश हमें अब तक नहीं मिली है। रिवायात के मुताबिक जनाजा होने तक कोई जश्न नहीं होगा कबीले में। लोगों को क्या जवाब देंगे? सब्र से काम लेते हुए हालात को संभालना है। मेरी बात पर गौर कीजिए बाजी, मेरे ख्याल से हाइमा खानम बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको भाई के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप मुस्तकबिल का सोचिए, जो होगा अच्छा होगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यकीनन कार्य खैर को मुलतवी करना मुनासिब नहीं, लेकिन इस बारे में हतमी फैसला अर्तुरुल सरदार करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन हाइमा खानम अर्तुरुल सरदार के साथ आप जैसी उसूल पसंद खातून को जल्द देखना चाहती हैं, और आपको अपनी बहू बनाकर औताक की रौनक बढ़ाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि हम माजी में किन मुश्किल हालात से गुजरे हैं, फिर भी ये सब झेलने और इतने सख्त हालात से गुजरने के बाद वो हमारे कबीले आकर अर्तुरुल सरदार और आपकी शादी का इशारा क्यों देती? मुख्तसरन ये कि आपको अर्तुरुल सरदार से फौरन शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई के शर्मनाक खेल की वजह से हमारे कबीले पर लगने वाला ये शर्मिंदगी का दाग सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी से ही धुल सकता है। खवातीन से कहो कि इन्हें यहां से ले जाएं, जल्दी।
ये तो सब हमारे सिपाही हैं। याल्ला मदद फरमा। सिपाहियों होशियार रहना। मार्गिन, मार्गिन मैं आ गया। मार्गिन, मार्गिन मेरे भाई। बाबा, बाबा, बाबा। याल्ला मार्गिन। मेरे भाई, मार्गिन मेरे भाई, बाबा, दुमरुल भाई, दुमरुल भाई, दुमरुल का नाम लिया? दुमरुल को क्या हुआ? मेरा बहादुर दुमरुल चला गया। दुमरुल भाई, दुमरुल मेरे भाई, बाबा, दुमरुल, दुमरुल, बाबा, ताहिजान, ये देखिए, बाबा की तलवार, और बाबा का खंजर, उसी की तलवार है, लेकिन तुम परेशान ना हो मेरे बेटे, सिपाहियों, अर्तुरुल को तलाश करो, फैल जाओ चारों तरफ। अर्तुरुल भाई, अर्तुरुल भाई कहाँ है? तुरकुत तेरा भाई कहाँ है? तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, जिंदा है भाई। ताया, तुर्कुत जिंदा है भाई। तुम तो भाई आए, तुर्कुत जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, हिम्मत करनी होगी तुम्हें, ठीक हो जाओगे तुम इंशाल्लाह। तुर्कुत मेरे भाई, हिम्मत नहीं हारनी तुम्हें। देखो हम सब तुम्हारे पास है। तुर्कुत, बताओ किसने किया ये? कौन लोग थे वो? बेबुलात और एक बग्गा, और एक बग्गा, और एक बग्गा नहीं। और अर्तुरुल, अर्तुरुल कहाँ है मेरे भाई? तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, मेरे बाबा कहाँ है? बाबा जिंदा है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उन्हें, शाबाश, बताओ मेरे भाई, बताओ। उन्हें पकड़ कर ले गए। वो उस पर तशद्दुद करेगा। वो मेरे भाई का मुंह खुलवाने के लिए बहुत अजीब देखा उसे। ताया, ताया जान, जासूस, जासूस बबर के खान, जासूस को ढूंढ
सिपाही हो, जासूस को ढूंढो, तलाशी लो उसकी, जल्दी। तुम खुद को मत थकाओ मेरे भाई, हम तुम्हें संभाल लेंगे तुरकत। हार्दिक भाई के पास ले जाऊंगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं। सलजान बेटी, हुक्म कीजिए वालिदा। सरदार के औताक में कभी काम खत्म नहीं होते, मेरे पास आके बैठो, थोड़ा आराम कर लो। आप आराम करने का क्या नहीं है वालिदा, अब कुछ ही दिनों में शादी शुरू हो जाएगी, हमें जल्द से जल्द अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करना होंगी। वो कहते हैं कि अच्छे कामों का अच्छा और बुरे कामों का पूरा सिला मिलता है। इल्बिलगी खातून ने रिवायात की पासदारी करके साबित कर दिया कि वो सरदार की बेटी है, इसीलिए अब ये बहुत मुनासिब होगा कि उनसे किए गए वादे को पूरा कर दिया जाए। दुरुस्त कहा तुमने बेटी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अर्तुरुल की शादी के इंतजाम हम भरपूर तरीके से अंजाम दें। बहुत शुक्र है कि पूरा आलम काई कबीले की तेज धार तलवार की काट को देख चुका है, अब जब वो अर्तुरुल भाई की शादी का जश्न देखेंगे तो वो देख लेंगे कि दस्तरखान भी कितना वसी और बाबरकत है हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटी। वालिदा, गुंदोगदू साहब और गुंदुस बाजार की तरफ गए थे, काफी देर हो चुकी है, ये दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए? कुछ काम पेश आ गया होगा बेटी, आ जाएंगे। देखिए तो जरा, मैं बातों में मसरूफ हो गई, खाना पका रही थी, मैं तो जाके देखती हूँ कहीं चल ना गया। जाओ जल्दी से जाओ सलजान बेटी, जल्दी। कौन है ये आरिक बुका? आरिक बुका अनातोलिया में हलाकू खान का एक बहुत ही खास जासूस है, उससे ज्यादा सफाक मंगोल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो अर्तुरुल की जबान खुलवाने के लिए सफाकी की सारी हदें पार कर जाएगा। मेरे भाई कभी जबान नहीं खोलेंगे। यकीनन ऐसा ही होगा बमसी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन उसकी मदद के लिए फौरन जाना होगा हमें। भाई, भाई, एक आदमी के पास से ये कुछ मक्तूब मिले हैं।
ये मकतूब अर्तुरुल को ढूंढने में मददगार साबित हो और उसे साथ लिए बगैर हम कबीले वापस नहीं जाएंगे। कहीं नहीं छुप सकते तुम, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बेबुलात, जान से मार दूंगा। भाई, तुर्गुत भाई को ले जाने के लिए तैयार है हूं। मलिक शाह, कबीले में जाकर उन्हें बता देना कि क्या हुआ है यहां, और कहना कि शहीदों की लाशें कबीले ले जाए। अर्तुरुल सरदार जिंदा है बता देना उन्हें, और कहना कि हम उन्हें साथ लेकर ही कबीले वापस आएंगे। अर्तुरुल के अगवा होने की खबर आसपास के दीगर कबाइल तक भी पहुंचा देना। हर तरफ एक एक जगह तलाश किया जाएगा उसे। अब्दुल रहमान से कहना कि वो उमरुलार कबीले जाए और बेबुलात के जिंदा होने की खबर दे एलबिल के खातून को, ताकि वो एहतियाती तदाबीर कर ले। जैसा आपका हुक्म गुंदोग दो भाई। अब चलो बिस्मिल्लाह, लेके जाओ तुर्गुत को। बंसी भाई, इजाजत दीजिए हमें तुर्गुत भाई को लेके जाए हम। चलो बंसी। चलो उठाओ भैया, बिस्मिल्लाह। उठाओ उससे पहले। शाबाश। चलो बिस्मिल्लाह। चलो चलो सिपाहियों, सवार हो जाओ, शाबाश, जल्दी। लेटाओ मत इसे, दीवार के साथ बिठा दो, होश आने तक ये ऐसे ही रहेगा। ये मशरूब पियो। ये मशरूब बहुत सुकून देता है, लोगों का खून बहाने के बाद। इस तरह सुकून तुम दो अपने आप को, लेकिन इतना खून बहाने के बाद अब आग लग जाएगी काई कबीले में। उनके सरदार को पकड़ा और मार डाला हमने बहुत खास सिपाहियों को। मेरे यहां आने का मकसद यही था अलबास्ती, मैं दुश्मनों का खून बहाकर जश्न मनाता हूं और वो खौफ से चीखते चिल्लाते हैं। जब हमारी तलवारें बाहर आती हैं तो वो खून बहाती हैं। यह आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, जान लो तुम। तुम अर्तुरुल की सरजमीन पे आके अपनी अकल, होश और माजी भूल बैठे हो क्या अलबास्ती? तुम नहीं जानते कि ऐसे कितने मजबूत लोगों को तोड़ के पसपा किया है हमने। इसके सीने में कई राज हैं, केकावुस, सोना, बरके खान के साथ होने वाला खुफिया मुआयदा। तुम जमीन को खोदना जानते हो तो खजाना तुम्हारा हो जाएगा।
कदम कदम खो दूंगा मैं इसे, कदम कदम। तुम अपना खजाना खोदने के बाद ले लेना, बाकी मेरे लिए छोड़ देना। मैं अपना इंतकाम लेने के बाद इसे तुम्हारे खोदे गए गड्ढे में गाड़ दूंगा। वो लोग हवा में उड़ गए, निशाना तो यहां खत्म हो गए भाई। वालिदा, दुर्गत, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सरदार कहां है? अर्तुरुल सरदार को दुश्मन ने यरगमाल बना लिया है। बाबा, जिसने भी ये वार किया उसने ऐसा कारी जख्म लगाया है कि ये शदीद अजियत में मुब्तिला रहे। बेबौलाद मलून ने किया है ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगा, आरिक बुका को बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम इसे भी मारने की कोशिश करोगे, जैसे तुमने अलनचक की जान लेने की कोशिश की थी। और अर्तुरुल सरदार को भी यरगमाल बना लिया दुश्मन ने। किसने किया ये सब कुछ? अलबास्ती ने। चलो अब उसके लिए निशान छोड़ देते हैं, तुम्हारा खून आलूद कपड़ा।